हेलो गाइस, वेलकम बैक इन नन प्लस चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं कि आप पबजी लाइट में बीसी कैसे परचेज कर सकते। सो गाइस, बीसी परचेज करने के लिए चलते हैं हम midasbuy.com पे। सबसे पहले midasbuy में चलेंगे। उसके बाद अगर आप इंडिया के हैं तो आपको razorgold.com पे जाना होगा। वहां पे आपको अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट कैसे बनाना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आपको क्रोम ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद आपको क्या सर्च करना है, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है midasbuy, या midasbuy। midasbuy जैसे सर्च कर लोगे, PUBG मोबाइल ऊपर में आपको लिखा हुआ है, इससे PUBG मोबाइल में आपको यूसी मिलेगा। PUBG मोबाइल लाइट में चलते हैं, midasbuy में इस पर हम क्लिक कर लेंगे। एंड क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्लेयर का आईडी डालना है। प्लेयर आईडी डालने के बाद ओके करेंगे, वेरिफिकेशन होगा। एंड वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ से बीसी परचेज कर सकते हैं। जैसे रेजर गोल्ड पर क्लिक करेंगे तो रेजर गोल्ड आपको यहाँ पे 74 point something रुपीज में 60+36 बीसी देता है। एंड 126 रुपया में 190+114 यानी 304 बीसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, रेजर गोल्ड है, ठीक है। तो ये रेजर गोल्ड का पेज पे ले जाएगा। तो सबसे पहले आपको रेजर गोल्ड में अकाउंट बनाना है। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है रेजर गोल्ड। जैसे मैंने रेजर गोल्ड यहाँ पे सर्च कर लिया है, एंड सर्च करने के बाद यहाँ पे दिस साइट कैनॉट बी रीच्ड बता रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पे रेजर सर्च मारूंगा एंड गोल्ड को छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे razor.com आ चुका है, तो हमें razor gold लाना है। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ razor gold। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। एंड गाइस, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा razorgold.com। नीचे वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। एंड जैसे क्लिक कर दोगे, यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड टाइम लगने के बाद आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आई एग्री पर आप क्लिक कर दोगे, यहाँ से आपको फ्री फायर का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट यहाँ से आपको सिर्फ पेमेंट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट ऑलरेडी नहीं बना हुआ है। यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं है, क्योंकि मैंने क्रोम को मैंने रिसेट कर दिया था। एंड जो कैश था उसे मैंने हटा दिया था, जो भी इसमें था। तो यहाँ से आपको क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। अकाउंट इसमें बनाना है आपको कैसे, एंड इसमें कैसे आपको पेमेंट लोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको रेजर की आईडी डालना है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए बोल रहा है। तो हमारे पास रेजर की आईडी तो नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आईडी बना लेंगे, जो भी आपका यहाँ पे आईडी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपना यहाँ पर आईडी बना लेता हूँ और देखता हूँ क्या ये अवेलेबल है। अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे मैं और कुछ डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा आईडी अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना होगा, तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी फिल कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी फिल किया, और उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड चूज कर लेते हैं, जो कि आगे जाके कि आपको साइन इन करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल दिए हैं। एंड स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन जाएगा। चलिए, मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया है। अब देखिए हमारे अकाउंट में मेल चला गया है। अभी हम मेल को ओपन करेंगे। एंड मेल को ओपन करने के बाद एक्सेप्ट पर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, रिसेंड ईमेल, ईमेल का वेरिफिकेशन चला गया। ईमेल पे जैसे क्लिक करेंगे आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जाना है और अपना यहाँ पर मेल आईडी ओपन करना है। मेल आईडी ओपन करने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिला होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोड देख लेता हूँ। और एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप वेरीफाई कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने पहले से ही अकाउंट बना के रखा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अकाउंट कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, नहीं मिल रहा है ना, देख रहे हो आप, नहीं मिल रहा। चलिए मैं सर्च कर लेते हैं, razorgold। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, देख सकते हैं रेजर गोल्ड से मैंने कितना सारा टॉपअप कर रखा है पहले से ऑलरेडी। तो सबसे पहले ईमेल वेरिफिकेशन ऐसे कुछ आएगा आपको, ईमेल वेरिफिकेशन। यहाँ पे जो लिंक दिया जा रहा है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया
ऑप्स ईमेल वेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन इन बीसी, यानी पहले से मेरा ये वेरीफाई हो चुका है और मुझे साइन इन करना है, ठीक है। तो रेजर गोल्ड में आपको जाकर के साइन इन कर लेना है, एंड साइन इन करने के बाद आर ए जे डी और रेजर गोल्ड, तो रेजर गोल्ड में मैंने चला गया है और यहाँ पे आपको साइन इन करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। तो जैसे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, लॉग इन के बाद आपको बैक आना है एंड मिडास बाई पर जाना है। मिडास बाई पर चले जाते हैं, तो जैसे ही मिडास बाई पे हम आ चुके हैं, जैसे हम अब मिडास बाई पे चलते हैं, तो यहाँ पर हम मिडास बाई सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो मिडास बाई सर्च करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे मिडास बाई। जैसे मैं मिडास बाई यहाँ पे सर्च कर लेंगे तो सबसे पहले पबजी मोबाइल मिल जाता है। तो पबजी मोबाइल लेंगे, हमें पबजी लाइट में करना है तो पबजी लाइट पर क्लिक कर लेंगे। एंड पबजी लाइट पर क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए तो आप अकाउंट साइन इन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आईडी डाल देना होगा, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना आईडी यहाँ पर फिल कर दिया है, एडिट करके आप यहां पे अपना आईडी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपना आईडी डालने के बाद ओके करेंगे, नीचे नाम आएगा, अगर नाम आपका है तो वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पे बाय मोबाइल यहां पे अगर इंडिया से हैं तो ये सब काम नहीं करेगा, सिर्फ रेजर गोल्ड ही काम करेगा। तो चलिए नीचे चलते हैं, रेजर गोल्ड पर क्लिक करते हैं। अकाउंट कैसे बनाना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, हमें पूरे 304 कॉइन यहाँ पर परचेज करने हैं ताकि इलाइट पास हमें एक्टिवेट हो जाए। इलाइट पास 280 BC में एक्टिवेट होता है, तो हम यहाँ पे 304 BC परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट बढ़ने के लिए एंड यहाँ पे आ चुके हैं हम रेजर गोल्ड पे। हमारा अकाउंट यहाँ पे साइन इन हो चुका है। जैसे आप वेरीफाई कर लेते हैं तो वहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड जो आपने बनाया था उसे साइन इन कर लीजिए यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आप पेमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पेमेंट ऐड कैसे कर सकते हैं, पेमेंट ऐड करने के लिए मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे आप वहाँ से रिजर्व गोल्ड पे क्लिक कीजिएगा, अगर इसमें आपका पैसा नहीं रहेगा तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं। UPI, Paytm, जिससे आपको करना हो उससे आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, अब यहाँ से हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें जो भी दिखाया जा रहा है, उसके बाद हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम देखिए अब पेमेंट को ऐड करेंगे। ऐड कैसे करना है, हमारे पास अभी है 30 कॉइन्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे परचेसिंग कर रखे हैं। तो अभी हमें करना है 304 BC परचेज़ करना है, तो हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं UPI, Paytm, इन दोनों से हम पेमेंट कर सकते हैं। UPI चूज़ कीजिएगा तो किसी से, फ़ोनपे से, गूगल पे से, जिससे आपको पेमेंट करना है उससे आप कर सकते हो। तो चलिए हम UPI चूज़ कर लेते हैं। UPI चूज़ करने के बाद हम नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर आपको ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे हम आ गए, अब अमाउंट यहाँ पे ऐड करना है। तो हमें, हमारे पास 30 रुपये ऑलरेडी है, तो हमें 196 रुपये और ऐड कर लेते हैं, तो टोटल हो जाएगा 226 रुपये, ठीक है। 226 रुपये होने के बाद हम इसे टॉपअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 196 रुपये पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आगे की ओर जैसे ही बढ़ेंगे तो नीचे आपका OTP आएगा। OTP जो आता है यहाँ पे आपको OTP फिल कर देना है। तो चलिए हम अपना OTP यहाँ पे फिल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास OTP आता है, OTP हम यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। OTP डालने के बाद हम यहाँ देखिए नीचे की ओर आते हैं और OTP यहाँ पे हम डाल लेते हैं, एंड देन OTP डालने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा। देखिए हमारे पास OTP आ चुका है, मैं अपना OTP यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। मैं यहाँ से OTP देख लिया हूँ और मैं अपना OTP यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जैसे हमें OTP यहाँ पे इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद ये वेरीफाई करेगा। वेरीफाई हो जाने के बाद गोल्ड एंड सिल्वर ऐसे आपका प्रोसेसिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपका प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और देख सकते हैं आप, कंग्रेचुलेसन, आपका BC यहाँ पे परचेस कर लिया गया है। हमारे पास बचा है मात्र 3 रुपये, ठीक है। तो 3 रुपये मात्र बचा है। अब देखिए हम पबजी मोबाइल को ओपन करेंगे, पबजी मोबाइल लाइट को ओपन करेंगे। तो पबजी मोबाइल लाइट को ओपन करने के लिए हमें करना होगा 1-1 VPN को ओपन। अगर आप ये रेजर गोल्ड वाला परचेज करते हैं मिडास बाई से, तो आपको सिंगापुर VPN को इंस्टॉल करना होगा, तभी हो पाएगा, ठीक है। तभी हम यहाँ पे 1-1 VPN को कनेक्ट कर लेते हैं। एंड जैसे ही हमारा 1-1 VPN कनेक्ट हो जाता है, हम पबजी मोबाइल ऐप को ओपन करेंगे और देखेंगे हमारा यहाँ पे टोटल BC आ चुका है या फिर नहीं आ चुका है। क्योंकि मैंने 3 बार में BC परचेज किया है तो मेरे पास थोड़े कम BC यहाँ पर आए हैं। मैंने वो 74 रुपीज वाला मैंने 3 बार किया ताकि मेरा पेमेंट कम कर सके। जैसे कि 3 बार मैं करूँगा तो 21 यानी 210 रुपया, और 4 12 यानी
220-224 रुपया लगभग सेम ही लग जाता है, बट मेरे से हो चुका है तो हो चुका है। चलिए हम यहाँ पे इलाइट पास हम ओपन करेंगे। इलाइट पास ओपन करने में देखिएगा क्या क्या चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो जैसे आप अपना जो आरपी होता है तो वो कंप्लीट कर लिए होते हैं तो वहाँ पे आपका सारा चीज़ गिफ्ट मिल जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इलाइट पास में जो जो नीचे दिखाया जाता है सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे, इमोट्स वगैरह हर चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम यहाँ से इलाइट पास परचेस करेंगे, ठीक है। तो इलाइट पास परचेस करना स्टार्ट करते हैं। बूम बूम, एक के बाद कलेक्ट। मिशन कंप्लीट करो। 17 हो गया, 13 हो गया।